नहीं, चलिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। वार्ता से पहले ही शर्त रखी थी और ऐसे में वो शर्त मानने पर क्यों मजबूर हुआ चीन, आज आपको इसको पूरी जानकारी इस पर देंगे। लेकिन तस्वीर देखिए, ये आपको ब्रिक्स समिट की तस्वीरें दिखा रहे जहां पर अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और कूटनीतिक जीत इसे भारत की यूं ही नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि चीन तो ऐसा है, ड्रैगन तो ऐसा है कि सबको आंखें दिखाता है। और ये सीमा विवाद लंबे समय से था, लंबे समय से ये सीमा विवाद था जिसको लेकर भारत ने अपना ऐसा रुख रखा कि चीन की भी हेकड़ी ढीली पड़ गई। तो इस बातचीत से पहले भारत ने कड़ा रुख कैसे अख्तियार किया, कैसे आंखें तरेरी भारत ने, चलिए जानकारी आपको सबसे पहले बता देते हैं। देखिए, एलएसी पर 4 साल का तनाव अब कम हो रहा है, आज से शुरुआत हो गई। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले डील हुई थी क्योंकि भारत ने कहा था कि बातचीत तभी होगी जब डील हो पाएगी। कजान में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता इसीलिए हो पाई, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, और वार्ता के बाद अब बॉर्डर पर आज से असर दिखने लगा है। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी शुरू हो चुकी है, देवसांग और डेमचोक से पीछे हट रही है सेनाएं। जी हाँ, चीन की सेना भी पीछे हट रही है। चीनी सेना ने जो अपना वहां पर रिहाइश बना रखी थी, वो जो तंबू बनाए रखे थे, वो भी उखाड़ दिए हैं। भारत ने भी सैन्य गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण अपने हटाए। भारत और चीन के बीच अब नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ है, यानी अब पेट्रोलिंग हो पाएगी, ये समझौता हुआ है, उसको लेकर भारत ने कड़ा रुख पहले ही रखा था। आपको बताएं, जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने हमें पहले ही ये बता दिया था कि बातचीत तभी संभव है जब सीमाओं को लेकर बातचीत हो, और सीमाओं को लेकर बातचीत हुई तभी द्विपक्षीय वार्ता हुई। सुनिए जरा। आई कैन शेयर विद यू दैट ओवर द लास्ट सेवरल वीक्स इंडियन एंड चाइनीज डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएटर्स हैव बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इन अ वैरायटी ऑफ फोरम्स। And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control. तो आपको बताएं कि अब पेट्रोलिंग होगी और 29 तारीख तक, जब इस महीने की 29 तारीख तक डिसएंगेजमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोलिंग शुरू होगी। सेनाओं के पीछे हटने के बाद साल 2020 वाले हालात फिर से बन जाएंगे। जी हाँ, देमचोक और देवसांग में दोनों तरफ से पेट्रोलिंग होगी, जिसको लेकर तैयारी कर ली गई है और 10 दिन बाद शुरू हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं कि पहले डिसएंगेजमेंट पूरा होगा। पेट्रोलिंग के लिए दो शर्तें, दो मॉडल्स तय किए गए हैं। दोनों सेनाएं अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी, जिससे गलवान जैसे हालात ना बने, क्लैश ना हो। पेट्रोलिंग की सूचना एक दूसरे को देनी होगी, जी हाँ, जानकारी भी देनी होगी। 21 अक्टूबर को नया पेट्रोलिंग समझौता हो गया है, तो ऐसे में बड़ा फैसला ले लिया गया है, समझौता अब हो चुका है और इसको लेकर अब तैयारी पूरी है। एके सिवाज, रक्षा विशेषज्ञ से हमने समझने की कोशिश की कि इस फैसले का कैसा असर ग्राउंड पर देखेगा। सुनिए जरा। जो अभी कार्रवाई हो रही है वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। जो देवसांग और डेमचोक में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जो आई बॉल टू आई बॉल थी, क्योंकि अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताएं, पहले गोगरा, हॉटप्रे और नॉर्थ और साउथ पंगेंगसो और प्लस गलवान के अंदर जो डिसएंगेजमेंट हो चुकी थी, मगर जो देवसांग और डेमचोक में नहीं हुई थी। तो जो अब कार्रवाई हो रही है वो बहुत अच्छी पहल है। चलिए आपको बता देते हैं कि ऐसा ये पहली बार हुआ है जो 2020 की जो स्थिति है उसे बहाल कर लिया गया, ये कोशिशों से हुआ है, कूटनीतिक जीत हुई है। लेकिन 5 ऐसे मौके थे जब समझौते हुए, जब आप सुनते हैं लोगों से, ये कहते हैं लोग, ये कहते हैं कि मैं जानकारी आपको दूं, उससे पहले आपको बता दूं, बहुत बार आपने सुना होगा कि अरे ऐसे कब्जा कर लिया है चीन ने, इस तरह से पूरा इलाका अपने साथ कर लिया है भारत, ये हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा, सदन के अंदर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लगता होगा क्या इन बातों में विरोधाभास है, लेकिन सच्चाई आपको बता देते हैं, कैसे क्या हुआ, किस तरह के समझौते हुए, वो जानकारी आपको दे रहे। देखिए, 1993 में बीजिंग में समझौता हुआ, एलएसी का सम्मान करने की बात इसमें कही गई। आपको यह भी बताएं, नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, मिलिट्री एक्शन नहीं होगा ये कहा गया, चर्चा से विवाद दूर करेंगे ये बातें कही गई, 1993 की बात कर दी। दूसरा समझौता कब हुआ, 1996 में दिल्ली में हुआ। दिल्ली में किसकी सरकार थी उस वक्त, आपको बताएं, जनता दल देवगौड़ा की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से यह सरकार बनी हुई थी। 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन उसके बाद देवगौड़ा सब संभाल रहे थे, और उस दौरान क्या हुआ, मिलिट्री टेंशन कम करेंगे, दिल्ली में बात हुई, मिलिट्री टेंशन कम करने की बात हुई, एलएसी से मिलिट्री जो ट्रूप्स हैं उसको भी कम करेंगे, यानी डिप्लॉयमेंट कम होगा, ये भी बात हुई।
और इसके अलावा एलएसी पर हवाई एक्शन नहीं होगा, यानी हवाई कोई भी फाइटर जेट से ये मूव नहीं कर पाएंगे। दूसरे समझौते की बात हो गई, तीसरे समझौते की अब बात करते हैं। 2003 बीजिंग में समझौता हुआ और इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार। चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना, चीन बहुत से इलाकों को अपना कहता है, अरुणाचल प्रदेश को भी अपना कहता है, सिक्किम को भी अपना कहता था, लेकिन सिक्किम को अपना नहीं माना और कहा कि वो भारत का हिस्सा है। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये बड़ी बात हुई। उसके बाद चौथा समझौता कब हुआ, 2005 दिल्ली में हुआ। ये कहा गया कि पॉलिटिकल गाइडलाइन सेट करने पर बात होगी, लेकिन आपको बता दें मनमोहन सिंह की सरकार थी इस दौरान, स्थानीय लोगों के विचार का सम्मान करेंगे, यानी जो लोग वहां रहते हैं उनका भी सम्मान करेंगे। उसके बाद 2013 में बीजिंग में पांचवा समझौता हुआ, फिफ्थ एग्रीमेंट, और इसमें कहा गया कि बेहतर कम्युनिकेशन डील है, ये हम कह रहे हैं कि बातचीत होगी। एलएसी पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप गलवान की घटना देखते हैं तो आपके मन में शंका होती कि आखिर हमारे जो फौजी थे उनके पास हथियार क्यों नहीं थे। ये मनमोहन सरकार का फैसला था, क्योंकि एलएसी पर बिना हथियार पेट्रोलिंग होगी ये साइन किया गया। इसके अलावा और क्या पॉइंटर्स थे आपको बताएं, बिना हथियार जाएंगे और फायरिंग रेंज नहीं बनेगी, ये भी साइन किया गया था। चीन ने इन फैसलों को नहीं माना, वो अपने फैसलों से पलट गया, लेकिन मनमोहन सरकार के दौरान हुए इन फैसलों की वजह से ये हाल हुआ कि इस तरह की गलवान की घटना सामने है। लेकिन चीन अब हमारे दबदबे की वजह से, भारत के दबदबे की वजह से मजबूर हुआ है। क्यों मजबूर हुआ है, क्या एंगल है, क्या वजह है, डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। साल 2020 में गलवान झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्तों पर बर्फ जमी हुई थी, लेकिन मोदी की कूटनीति, पुतिन की मध्यस्थता और चीन की मजबूरी के चलते दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच किसी पुल की तरह दिखाई दिए। 5 साल से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भारत और चीन के बीच सीमा पेट्रोलिंग पर बनी सहमति का स्वागत किया, साथ ही शी जिनपिंग से दो टूक शब्दों में कह दिया कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए सीमा पर शांति बने रहना सबसे जरूरी है। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। तो देखिए, भारत ने तय किया और करके दिखाया, और भारत ने बता दिया कि कितना भी आक्रामक पड़ोसी हो, पड़ोसी तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उनको समझाया जा सकता है, और समझाने का तरीका भारत जैसा होना चाहिए, तभी समझ में आएगा।